नमस्कार फ्रेंड्स मेरे नाम बबलू उमा पेपर हैकर में आपका स्वागत है आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है तो बात करते हैं आज हम लेके आने वाले हैं आपके लिए कौन सा इन्वॉयरमेंट का ठीक है इन्वॉयरमेंट का लेके आए सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए तो फ्रेंड्स सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता ही है ये और फ्रेंड्स जिस किसी को इसकी पीडीएफ चाहिए है ना पीडीएफ तो चाहिए चाहिए आपके लिए तो पीडीएफ चाहिए तो वो कहाँ मिलेगा डिस्कशन मिल जाएगा या फिर आप हमारी साइट पर जाइएगा डब्लू डब्ल्यू डब्ल्यू पेपर हैकर डॉट इन पर ठीक है तो वहां पर भी आपको यह मिल जाएगा इसका लिंक मिल जाएगा वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है सेमेस्टर वालों के लिए हो जाता है और बात करते हैं कैसा आपको देखने को मिलता है तो एमसीक्यू देखने को मिलता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाते हैं ठीक है थीके? तो बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चनों की ओर तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है है कुछ इस प्रकार से हो जाता कह रहा है जीव मंडल को संदर्भित करता है जीव मंडल को कौन संदर्भित करता है जीव मंडल है क्या इसके बारे में बताना आपको है ना तो यहाँ देखा है जीवित जीवों के आसपास का वातावरण को कहते हैं या फिर पौधों या जानवरों द्वारा बसे हुए समुद्र का हिस्सा है या फिर हो जाता है अपना जीवित जीवों द्वारा बसाई गई भूमि का क्षेत्रफल या फिर हो जाता है पृथ्वी का वह भाग जिसमें महासागर भूमि मिट्टी और वायुमंडल शामिल हैं जिनमें जीवित जीव रहते हैं तो देखा है जीव मंडल को संदर्भित करता है जीव मंडल है क्या ये बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी का वह भाग जिसमें महासागर भूमि मिट्टी वायुमंडल शामिल है जिसमें जीवित जीव रहते हैं उसे क्या कहते हैं जीवमंडल कहते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं यहां देखा है पूर्व औद्योगिक काल में वायुमंडल में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हुई है पूर्व औद्योगिक काल जो था उससे अब तक बायोमेंटल में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड सीओ टू की वृद्धि हुई है वो आपको यहां पर बताना है तो बात करते हैं की बात हो रहा है तो सभी गैसें आपको याद होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में बन सकता है जैसे है अपना नाइट्रोजन नाइट्रोजन मुझसे तो कितनी होती है अठहत्तर परसेंट होती है ना नाइट्रोजन कितनी तो होती है सेवेंटी एट परसेंट होती है यही बात करते हैं ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन कितनी होती है भाई ऑक्सीजन होती है इक्कीस परसेंट तो ट्वेंटी पॉइंट नाइन एट परसेंट होती है ना मतलब वैसे आपको दे देगा ठीक है आ, अगर पॉइंटों में पूछेगा तो आपकी हो जाएगी बीस पॉइंट अट्ठानबे परसेंटेज होगी ठीक है बीस पॉइंट अट्ठानबे वैसे लिखा हुआ आपको कितना मिलेगा इक्कीस परसेंट ही मिलेगा ठीक है और यही बात करते हैं CO2 टू कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है तो इसकी मात्रा में आपको याद होनी चाहिए जीरो पॉइंट जीरो फोर परसेंट क्या होती है अपनी कार्बन डाइऑक्साइड होती है ठीक है यही बात कर ले भूमि में यही बन सकता है भाई कि भूमि में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है तो याद होना चाहिए होती में की मात्रा, तो सारी की सारी आपको चाहिए, यहां से बन सकता है, तो है कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हुई है तो कितनी हुई है भाई ओनली बीस की अब तक वृद्धि हो चुकी है ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी की बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र मनुष्य द्वारा प्रतिबंधित नहीं होता है जो मनुष्यों द्वारा प्रतिबंधित नहीं होता है वो कौन सा आपको बताना है शहरी पार्क राष्ट्रीय उद्यान फार्म या फिर वृक्षारोपण वृक्षारोपण मनुष्य कर सकता है नहीं कर सकता है बिल्कुल कर सकता है भाई फार्म खोल सकता है बिल्कुल खोल सकता है शहरी पार्क भी बना सकता है, है ना शहरी पार्क भी बना सकता है मगर राष्ट्रीय उद्यान नहीं बना सकता है ना इस पर प्रतिबंधित प्रतिबंधित प्रबंधित नहीं कर सकता है ना इसको प्रबंधित नहीं कर सकता तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर की ओर क्या है इकोटोन है जो इको है, वो है क्या आपको बताना है पहले है वार्डिंग इकोसिस्टम में पाए जाने वाली केवल प्रजातियां होती हैं वार्डिंग इकोसिस्टम के समान ही अजैविक विशेषताएं होती हैं दो या अधिक पारिदृश्य से मिलकर बनता है पारिस्थितिक तंत्र के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र है तो इकोटोन जो है वो है क्या इसके बारे में पूछ रखा है इकोटोन किसे कहते हैं वो कहते हैं पारिस्थितिक तंत्रों के बीच जो संक्रमणकालीन क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं इकोटोन कहा जाता है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अपना ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता है कि रेगिस्तान पारिस्थितिकी तंत्र में झाड़ियां हैं जो रेगिस्तान जो पायस्तान में झाड़ियां हैं वो है कैसी उत्पादक जीव है उपभोक्ता है अवघटक है या फिर इनमें से कोई नहीं तो राइट आंसर हमारा क्या होगा जो तो जो रेगिस्तान में झाड़ियां पाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं ये उत्पादक होते हैं या उपभोक्ता होते हैं या अवघटक होते हैं तो झाड़ियां किस में आती हैं भाई उत्पादक में आती हैं है ना तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उपभोक्ता क्या होते हैं जो उत्पादकों को खाते हैं अपघटन कौन होते हैं जो उपभोक्ता को खाते हैं और उत्पादक को भी खाते हैं और किसमें डिवाइड कर देते हैं ऊर्जा को मुक्त कर देते हैं तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए था आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर की ओर देखा है बायोमास का, पर आधारित है। तो बायो का किस पर आधारित है कुल सूखा वजन कैलोरी मान जीवित जीवों का कुल भार या फिर इनमें से कोई नहीं तो कौन सा राइट होगा देखो बायोमास बायोमास है क्या बायोमास है अपना खागजाल ठीक है खागजाल तथा अपना हो जाता है खाग जाल हो गया और खाग श्रृंखला और क्या हो जाती है अपनी खाग श्रृंखला हो जाती है खाग श्रृंखला खाग श्रृंखला का जो भार प्रिमिड होता है ना भार प्रिमिड उसे क्या कहते हैं बायोमास कहते हैं है ना तो बायोमास का प्रिमिड डैश पर आधारित है किस पर है भाई कुल सूखा वजन पे भी हो जाएगा कैलोरी मान पे भी हो जाएगा और अपना जीव जीवों का कुल भार पे भी हो जाएगा तो क्या राइट होगा उपयुक्त सभी राइट होगा क्योंकि यह खाक जालो खाग शेट पर आधारित होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान व गुजरात का मूल निवासी है और वर्तमान में एक विलुप्त जीव है तो कहां का राजस्थान का और गुजरात का निवासी होना चाहिए मूल रूप से तथा वर्तमान में एक विलुप्त जीव होना चाहिए जंगली गधा बिल्कुल नहीं हो सकता गेंडा भी नहीं होगा और ना ही होगा काला हिरण तो कौन सा बच जाता है एक राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ग्रेट इंडियन ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है बन सकता है एग्जाम में क्योंकि तो लुप्त प्राय जीव हो जाता है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण मानव गतिविधि जो वन्य जीवों की विलुप्ति होने के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है वो आपको बताना है वैसे तो सारी की सारी उत्तरदायी होगी मगर आपको बताना है सबसे अधिक उत्तरदायी कौन सी हो जाती है विलुप्ति के अनुसार ठीक है तो पहला रखा है वायु व जल का प्रदूषण मूल्यवान वन्य जीवों के उत्पादक हेतु शिकार विदेशी प्रजातियों का प्रयोग करना या फिर अपना लास्ट प्राकृतिक आवास का परिवर्तन एवं विनाश तो सबसे महत्वपूर्ण मानव गतिविधि जो वन्य जीवों के लुप्त होने में सबसे अधिक उत्तरदायी है तो वो कौन सा रहती है जल का प्रदूषण तो होगा नहीं तो, ना तो जल का प्रदूषण नहीं करेगा बात करते हैं मूल्यवान वन्य जीवों के उत्पादक हेतु शिकार भी नहीं करेगा इतना और विदेशी प्रजातियों का प्रयोग भी नहीं होगा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक आवास का परिवर्तन और विनाश अगर वनों को काट दोगे तो वन्य जीव कहां जाएंगे फिर है ना उनका विनाश संभव है और विलुप्ति के घर पर फिर वह भी पहुंच जाएंगे आगे देखते हैं वाइल्ड लाइफ लगातार कम हो रही है जो वाइल्ड लाइफ है वो लगातार कम क्यों हो रही है परभक्षण हो रहा है क्या जंगल काटना निवास स्थान का निवास विनाश या फिर शिकार तो वर्ल्ड लाइफ जो है वो लगातार कम क्यों हो रही है क्योंकि जंगलों का कटान हो रहा है तो लाइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आगे बढ़ते हैं जैव विविधता में समृद्ध है जो जैव विविधता है उसमें समृद्ध क्या है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र द्रव्य क्षेत्र समशीतोष्ण क्षेत्र या फिर महासागर तो जैव विविधता जहां पर जीवों में ज्यादा विविधता पाई जाती है तो यह समृद्ध है किससे से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से क्योंकि तो ज्यादातर जैविता कहाँ पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ही पाई जाती है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अपना आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आवांछनीय पौधों को हटाने की प्रक्रिया है जो आवांछनीय पौधे होते हैं जो हमारे काम में नहीं होते काम के नहीं होते हैं वह आवांचनीय होते हैं तो उन पौधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बोने निराई रेशिंग या फिर फटकना फटकने से दूर होते हैं हो सकते हैं मगर पूरी तरीके से दूर नहीं होंगे तो क्या करते हैं पौधों की बात कर रहा है पौधों को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है उसे कहते हैं निराई है ना एक जो मूल पौधा होता है जो अपने काम का होता है छोड़ते हैं बाकी सबको हटा देते हैं किसके द्वारा निराई के द्वारा तो भाई तरीका है आबांछनी पौधों को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है निराई कहलाती है आगे बढ़ते हैं बांग्लादेश में प्रवेश करने वाली प्रवेश करने के बाद गंगा का नाम है तो बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा का नाम क्या पड़ता है भाई आपको बताना है देखो आपको बता दें गंगा कौन कौन देश में बहती है भारत से निकलती गंगोत्री से और कहां चली जाती है बांग्लादेश से होती हुई कहां गिरती है बंगाल की खाड़ी में गिरती है है ना और बंगाल की खाड़ी में गिरने के बाद क्या करती है यह सुंदर वन डेल्टा का निर्माण करती है तो यहां रखा है बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा को क्या कहते हैं पैसे भारत में क्या कहते हैं भारत में अपनी कही जाती है गंगा को गंगा और जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है वहां पर इसे क्या कहते हैं पदमा कहते हैं क्या कहते हैं भाई पदमा कहते हैं तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पदमा ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं इको शब्द में इको शब्द के जनक थे जो इको है उस शब्द के जनक कौन थे ये आपको बताना है पारिस्थित तंत्र पारिस्थितिक तंत्र के जनक कौन थे या फिर इकोसिस्टम शब्द के जनक कौन थे यह आपको यहां पर चूज करना है कौन सा राइट होगा ओडम तांसले रिक्टर या फिर लिंडमार्क तो यहां पर राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है बिल्कुल इकोसिस्टम या फिर पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम तो मतलब तांसले राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी यहां पर हो जाएगा

भौतिक तत्वों में सम्मिलित नहीं है कौन सा सम्मिलित नहीं है यह आपको यहां पर चूज करना है पहले रखा है धर्म परिवहन मानव अधिवास या फिर दे रखा है सिंचाई के साधन तो यहां पर राइट आंसर अपना क्या होना चाहिए बिल्कुल देखो बात करते हैं सांस्कृतिक वातावरण की बात हो रही है है ना इसके भौतिक तत्वों में सम्मिलित कौन सा नहीं है परिवहन बिल्कुल होगा सिंचाई के साधन भी होंगे और मानव अधिवास भी होगा धर्म जो है वो बिल्कुल अपोजिट आपको देखने को यहां पर मिल रहा है धर्म इससे संबंधित नहीं होगा तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपना आगे बढ़ते हैं बायोस्फीयर जोन मूलता कितने भागों में विभाजित है जो बायोस्फीयर जोन है वो मिकता कितने भागों में डिवाइड है ये आपको यहां पर बताना है ठीक है दो तीन चार या फिर हो जाता है अपना तो कौन सा राइट होगा बिल्कुल तो कौन कौन से जोन होते हैं इनको भी देख लेते हैं क्या पता जो पूछ ले आपसे है ना तो पहला होता है, क्या होता, है अपना? होता है दूसरा होता है अपना बफर कौन सा होता है भाई बफर जोन होता है तीसरा अपना होता है संक्रमण है ना तीसरा कौन सा होता है संक्रमण जोन होता है कोर जोन में क्या होता है कोर जोन में मानव का अधिकार नहीं होता है बफर जोन में मानव का अधिकार होता है संकट जोन में क्या होता है संक्रमण जोन में मानव का अधिकार नहीं होता है और यहां पर क्या होते हैं सुधार किए जाते हैं ठीक है तो इस प्रकार से अपना जो बायोस्फीयर जोन है वो मुख्यतः तीन भागों में डिवाइड होता है कोर बफर और संक्रमण तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी यहां पर होना चाहिए था आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं वायुमंडल की अधिकांश ओजोन संकृत होती है तो अधिकांश ओजोन संकेंद्रित कहां होती है यह आपको बताना है आपको पढ़ते तो पता होंगी छोभ मंडल संतापमंडल मंडल मध्यमंडल ओयन मंडल और तो आप रहा है कि आपकी कहाताप मंडल से ओजोन की शारी हो जाती है मगर ओजोन संकेंद्रित कहां होती है तो वो अपनी होती है मध्यमंडल में ठीक है मेजोस्फेर में तो यहां राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं किसी प्राणी के संपूर्ण भौतिक वातावरण को निम्न में से भी जाना जाता है किसके नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है किसी प्राणी के संपूर्ण भौतिक पर्यावरण को ध्यान रखना भौतिक पर्यावरण की बात कर रहा है तो पहले देखा है जैव मंडल आवास वायुमंडल या फिर ये सभी तो भौतिक पर्यावरण को निम्न नाम से भी जाना जाता है जैव मंडल भी कहा जाता है जलवायु भी कहते हैं आवास भी कहते हैं तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी है ना अब तक बहुत ही ईजी थे एक दो क्वेश्चन थे जो आपको याद करना है आगे बढ़ते हैं सूर्य का विक्रण पृथ्वी पर किस प्रकार आता है सूर्य का जो विक्रण होता है वो पृथ्वी पर किस प्रकार से आता है ऐसा नहीं होना चाहिए था। यहां पर होना चाहिए सूर्य का प्रकाश क्या होगा यहां पर सूर्य का प्रकाश होना चाहिए था कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर किस प्रकार आता है चालन द्वारा संबहन द्वारा विक्रण द्वारा या फिर ये सभी तो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो पृथ्वी पर कैसे आता है के आता है है भाई के द्वारा तो राइट आंसर क्या होना चाहिए था? की बात करते हैं पृथ्वी का, है। का तो सर्वाधिक जल जो है वो किस पर केंद्रित है आपको बताना है पैदल बर, बर्फ से पृथ्वी का संकेंद्रित जल केंद्रित है अच्छा तो सर्वाधिक जल जो है वो केंद्रित कहां पर है ये आपको बताना है पहले देखा है पोल के बर्फ में या फिर भूगर्भिक जल में समुद्र में या फिर वायुमंडल में ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन अपना हो जाता है है ना कि पृथ्वी का सर्वाधिक जल कहां केंद्रित होगा भाई कहां होगा समुद्र में बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत भूमि पर जल फैला है तो निम्नलिखित में कितने प्रतिशत भूमि पर जल फैला है तो आपने बीए का जो मैं आपको जियोग्राफी पढ़ाता फर्स्ट सेमेस्टर अगर पढ़ा होगा तो बिल्कुल आराम से लगा सकते हो कि कितना होता है भाई सेवेंटी नाइन परसेंट और ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी ट्वेंटी नाइन परसेंट पे क्या होता है नहीं ट्वेंटी ट्वेंटी एट परसेंट मतलब इक्कीस परसेंट होगा ना आ, हाँ इक्कीस परसेंट होगा ट्वेंटी वन परसेंट इस पर क्या होता है अपनी स्थल है और जल कितने पे है जल हो जाता है अपना सेवेंटी नाइन परसेंट पे टोटल ठीक है टोटल की बात कर रहा है तालाब वगैरह सभी को लोगे तब ठीक सेवेंटी नाइन और ट्वेंटी वन पे हो जाएगी अपनी स्थल ठीक है स्थल और ये हो जाएगा अपना जल तो ये आपको मैंने जियोग्राफी में पढ़ा रखा है दोनों की दोनों तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा ट्वेंटी नाइन परसेंट हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं वायुमंडलीय परत का कौन सा क्रम सही है तो आपको क्रम बताना है वायुमंडलीय परत जो है उनका क्रम जैसे आपका छोभ मंडल सप्ताह मंडल ठीक है मध्यमंडल और फिर आयन मंडल और ब्राह्मंडल ना तो भाई बैध बताना है जो पढ़ते हैं बायोमंडल में वो कौन कौन सी है? भाई बताना है क्रम सही, तो, ये वाली हो ये तो है नहीं आ, फिर अपना, बिल्कुल सही, से कहते हैं फिर हो जाएगा अपना छोभमंडल मंडल, मंडल ट्रुटोस्फियर बिल्कुल सही है मध्यमंडल मिसोस्फियर आइनोस्पियर और एग्जोस्पियर बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाकी यहां पर है तो ये तो होगा नहीं यहां पर तो यहां पर से भी नहीं होगा तो ठीक है राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी ट्रोपोस्फियर और अपना हो जाता है आइनोस्पियर और एग्जोस्पियर ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है अबसादी चक्र का ऊर्जा पुल है जो अबसादी चक्र है उसका ऊर्जा पुल क्या होता है यह आपको यहां पर बताना है पैद रखा है लिथोस्पियर पानी हवा या फिर मृदा तो अबसादी चक्र का ऊर्जा पुल क्या है ऊर्जा शादी चक्र जो होता है जो अपसाद होते हैं उनका ऊर्जा पुल क्या है भाई बताइएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भाई पानी होता है कौन सा होता है ऊर्जा पुल पानी होता है अब शादी चक्र का ऊर्जा पुल होता है वो क्या होता है पानी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बन सकता है आगे बढ़ते हैं प्राकृतिक परिस्थितियों में पशुओं के व्यवहार का निर्वाचन है कैसा है यह आपको बताना है ठीक है और पर आपको बताना है प्राकृतिक परिस्थितियों में पशुओं के व्यवहार का निर्वाचन है कौन सा है यह आपको बताना है पहले देखा है सिस्टम इकोलॉजी फिर इथोलॉजी प्रोडक्शन इकोलॉजी या फिर रेडिएशन इकोलॉजी तो यहां पर राइट आंसर अपना क्या रहने वाला है प्राकृतिक परिस्थितियों में पशुओं के व्यवहार का निर्वाचन है कौन सा है यह हो जाता है सिस्टम इकोलॉजी तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपना आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिक सम्मिलित किए जाते हैं किसमें सम्मिलित किए जाते हैं यह आपको बताना है अजैविक तत्वों में जैविक तत्वों में कृत्रिम तत्वों में या फिर प्राकृतिक तत्वों में तो राइट आंसर अपना क्या होगा कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिक सम्मिलित किए जाते हैं किसमें सम्मिलित किए जाते हैं तो किसमें सम्मिलित करेंगे ये अपने प्राकृतिक तत्वों में सम्मिलित कर देते हैं ठीक है तो राइट आंसर अपना क्या होगा ऑप्शन नंबर अपना डी यहां पर होना चाहिए ठीक है आगे बढ़ते हैं वायु में वाष्प के रूप में पाए जाने वाले रसायन हैं वायु में वाष्प के रूप में पाए जाने वाले रसायन हैं ध्यान से पढ़ना रसायन है पैदा क्या मृदा धुआं इरोसेल्स या फिर अपना हो जाता है गैसें तो वायु में बाष्प के रूप में पाए जाने वाले रसायन कौन से होते हैं भाई गैसें होती हैं क्या होती हैं भाई गैसें होती हैं तब गैसों की बात हो यहां पर तो एक बार फिर रिपीट करते हैं वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी है अठहत्तर परसेंट ऑक्सीजन कितनी है इक्कीस परसेंट ठीक है और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है जीरो पॉइंट जीरो फोर परसेंट और मृदा में जो ऑक्सीजन है वो कितनी है वो है छियालीस पॉइंट साठ परसेंट जितनी बार आ जाएगा उतनी बार हम रिपीट करेंगे जो कि हमें याद हो जाए आगे बढ़ते हैं इनमें से कौन जैविक संगठक का अंग नहीं है इनमें से कौन जैविक संगठक का अंग नहीं है भाई आपसे चूज कर रखा है ठीक थी? है यहां पर पूछ रखा है जैविक संगठक का अंग कौन सा नहीं है तो भाई देखा है मानव पादप वायु या फिर सूक्ष्म जीव तो यहां पर राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा देखो बात करते हैं जैविक संगठक का अंग कौन सा नहीं है मानव है पादप है सूक्ष्म जीव भी हो जाते हैं मगर वायु नहीं है तो राइट आंसर अपना क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आगे बढ़ते हैं जीवित पदार्थ में विभिन्न ट्रॉफिक स्तर को कहते हैं जो जीवित पदार्थ होते हैं उनमें विभिन्न ट्रॉफिक स्तर जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं आपको बताना है इकोटोन इकोटाइप और स्टैंडिंग क्रॉप या फिर देखा है अपना उपभोक्ता तो उसे क्या कहेंगे ये आपको यहां पर बताना है कौन सा राइट होगा यहां पर देखो जीवित पदार्थों में विभिन्न ट्रॉफिक स्तर जो होगा जीवित पदार्थों की बात हो रही है विभिन्न ट्रॉफिक स्तर को क्या कहेंगे इकोटोन कहेंगे क्या कहेंगे भाई इकोटोन कहेंगे तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा इकोटोन

लिम्नोलॉजी मैरिन जीव विज्ञान या फिर अपना हो जाता है समुद्री जीव विज्ञान या सूक्ष्म जैविकी तो राइट आंसर हमारा क्या होगा शुद्ध पानी में जैविक तथा रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है तो उसे कहेंगे सूक्ष्म जैविकी क्या कहेंगे भाई सूक्ष्म जैविकी कहेंगे क्योंकि छोटे छोटे कड़ों का यहां पर अध्ययन करना होगा किससे करेंगे सूक्ष्मों से सूक्ष्मदर्शी से क्या कह देंगे भाई सूक्ष्म जैविकी कह देंगे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखा है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संकट है तो प्राकृतिक संकट कौन सा है यह आपको बताना है ताप पंगल संक्रमण तनाव या फिर कोयला तो प्राकृतिक संकट क्या है ताप है बिल्कुल नहीं तनाव है बिल्कुल नहीं पंगल संक्रमण है बिल्कुल नहीं तो प्राकृतिक संकट कौन है भाई कोयला है है ना प्राकृतिक संकट क्या है कोयला क्योंकि कोयला का भंडार सीमित है आगे बढ़ते हैं अपघटन करता है करता है कौन होते हैं मृतपोषी परपोषी या फिर स्व परपोषी तो यहां पर राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा अपघटन करता है ना कौन होते हैं अपघटन करता है स्वपोषी भी नहीं परपोषी भी नहीं और स्व भी नहीं है तो भाई कौन हो जाएंगे मृत पोषी हो जाए क्योंकि वह क्या करते हैं मृतों को खाते हैं और अपघटन करते हैं तो अपघटन करता कौन जाएंगे? हो जाएंगे मृत पोषी हो जाएंगे ठीक है क्योंकि मृत सड़े गले पदार्थों को यह खाते हैं आगे बढ़ते हैं फ्लोरा शब्द संबंधित है जो फ्लोरा शब्द है वो किससे संबंधित है पौधों से जानवरों से पक्षियों से या फिर इनमें से कोई नहीं ध्यान तो रखना है फ्लोरा 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 में आपको क्या देखने को मिलेगा फल देखने को मिल जाएगा फल और फल क्या होते हैं पौधे पर आते हैं ठीक है ठीके? तो याद हो जाएगा पौधों से संबंधित है फ्लोरा शब्द किससे संबंधित है भाई पौधों से संबंधित हो जाता है आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वातावरण पर कुप्रभाव नहीं डालता है तो वातावरण पर कुप्रभाव नहीं डालता है तो वह कौन सा हो जाएगा आपको बताना है पैदल का है बीजारोपण मिट्टी का कटाव डी टी टी बी एच सी और बाटर लंगिंग तो कुप्रभाव नहीं डालता है वातावरण पर तो कौन नहीं डालता है भाई देखो मिट्टी का कटाव होगा ये तो डालेगा फिर है ना मिट्टी का कटाव होगा वातावरण पर कुप्रभाव डालना डालना है है ना अपर्दन होगा तो बात करते हैं डी टी इसको डालेगा और बाटर जो लिंगिंग है इससे भी प्रभाव पड़ेगा वातावरण पड़ मगर बात करते हैं बीजा रोपण जब बीजों का रोपण करते हैं तो इससे वातावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो राइट आंसर क्या होगा बीजा रोपण हो जाएगा ठीक है आगे बढ़िएगा यह बाहरी स्पेस में मिल जाता है तो बाहरी स्पेस में कौन मिलता है यह आपको यहां पर चूज करना है प्रोपोस्पियर मिसोस्पियर स्टेटोस्पियर या फिर एग्जोस्पियर तो यहां पर राइट आंसर अपना क्या होगा बताइएगा भाई हमने अभी बताया ना सारी की सारी पड़ते सारी की सारी पड़ते अभी हमने आपको बताई थी सबसे पहले कौन सी आती है ट्रुपोस्फियर स्टोर्सफियर मिसोस्फियर थर्मोस्फियर और एक्जोस्फियर तो यहां रखा है यह है बाहरी स्पेस में मिलता है तो सबसे बाहरी स्पेस में कौन सा मिलता है ब्रह्मांडल मतलब एक्जोस्फियर तो राइट आंसर हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आगे बढ़िएगा यहां दे रखा है जैव विविधता को सबसे बड़ा खतरा है जैव विविधता को सबसे बड़ा खतरा किससे है भाई भूस्खलन से जंगलों की आग से प्राकृतिक वनस्पतियों के समाप्त होने से या फिर उपयुक्त सभी से राइट आंसर हमारा क्या होगा भाई देखो जैव विविधता को सबसे बड़ा खतरा किससे है भूस्खलन से भी होगा जंगलों की आग लगेगी इससे भी होगा और प्राकृतिक वनस्पतियों के समाप्त तो होने से भी लगेगा तो राइट आंसर हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आगे बढ़ते हैं बायोम है बायोम है क्या वातावरण है क्या पारस्परिक क्रियाशील समुदाय एवं उसका पर्यावरण एक जगह की वनस्पति एक जगह के जंतु तो यहां पर बायोम क्या है बायोम जो है वो है क्या पारिस्थितिक क्रियाशील समुदाय एवं उसका पर्यावरण हो जाएगा है ना बायोम कैसे कहते हैं पारिस्थितिक क्रियाशील समुदाय एवं इसका पर्यावरण को क्या कहते हैं बायोम कहते हैं ठीक है इजी है आराम से पढ़ सकते हो आगे बढ़ते हैं पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा अजैविक तत्व है पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा अजैविक तत्व है तो अजैविक तत्व आपको बताना है जैविक नहीं अजैविक रखा है बैक्टीरिया पेड़ पौधे ह्यूम्स या फिर फंगाई तो यहां पर देखो सबसे अलग कौन सा है बैक्टीरिया और फंगाई ये से मिल रहे हैं पेड़ पौधे भी हो जाएंगे मगर ह्यूम्स नहीं होगा फिर है ना तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा क्या हो जाएगा ह्यूम्स जैविक तत्व हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है तो सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड बताना है वह कौन सा हो जाता है प्रधान आकाशीय पिंड ध्यान से देखना है क्वेश्चन के लिए पृथ्वी रेम्पलर सूर्य या फिर बेस्टा तो प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है भाई सूर्य है, है ना क्योंकि तो सारे क्या हैं सारे ग्रह उपग्रह उल्का पिंड किसका चक्कर लगाते हैं भाई सूर्य का चक्कर लगाते हैं तो प्रधान आकाशीय पिंड कौन हो गया सूर्य हो गया आगे बढ़ते हैं इको का नाम दिया था इको का नाम किसने दिया था टॉन्सले इको सिस्टम टॉन्सले क्लाइनर ने या फिर रॉबर्टसन ने या फिर होता है अल्टोर्न ने तो यहां पर राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है इको सिस्टम का नाम किसने दिया था ने दिया था किसने ने कैसे याद करेंगे इको भाई सॉरी क्या करेंगे इको भाई इको है है ना इको है भाई टॉन टॉन जो टॉन टॉन बोल रहा है ना घंटी वगैरह टॉन्सले टन टन की आवाज आ रही है ना टन टन टॉन्सले टन टांसले में देखो टन हाँ भाई घंटी की आवाज आ रही है यहां पर इको इकोन बोल रहा है भाई टन घंटी बोल रही है ना इस प्रकार से याद हो जाएगा ठीक है बैल बोलिए पर्यावरण हैं तो कौन हो जाते हैं बाबा आम्बे आम्टे, या फिर सीवी रमन अटल बिहारी वाजपेयी एम एस स्वामीनाथन ये भी गलत ये भी गलत ये भी गलत तो प्रसिद्ध भारतीय पर्यावरण विद कौन हो जाते हैं तो वह हो जाते हैं बाबा आमटे ठीक है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आगे बढ़िएगा नेक्स्ट देखा है पौधे मुख्यतः अपना पोषण प्राप्त करते हैं किससे करते हैं भाई क्लोरोफिल से मिट्टी से वातावरण से या फिर प्रकाश से यहां पर पोषण की बात कर रहा है पोषण किससे प्राप्त करते हैं है ना बिल्कुल तो पोषण किससे प्राप्त करेंगे भाई बिल्कुल सही सभी का राइट मिट्टी से किससे करेंगे भाई मिट्टी से प्राप्त करेंगे आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम पोषक तत्व कहां देते हैं भाई मिट्टी में देते हैं आगे देखिएगा पादप वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है पादपों की वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है चिकनी मिट्टी बजरी बालू मिट्टी या फिर दो मिट्टी तो पादप वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी हो जाएगी भाई वह हो जाएगी अपनी दो मिट्टी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है ईपी ओडम है एक अग्रड़ी ई ओडम जो है वो एक अग्रड़ी कौन है बायोलॉजिस्ट, फिजियोलॉजिस्ट इकोलॉजिस्ट माइक्रोलॉजिस्ट यहां पर राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है तो ओडम, जो है, है। एक अगड़ी है. क्या है ये इकोलॉजिस्ट है ध्यान रखना क्या है ये ई से यहां देखो ई देखने को मिला और यहां पर भी हमें ई देखने को मिल गया जब पूछ ईपीओडम मतलब ई क्या कोलॉजिस्ट तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये हमारी ट्रिक बन जाती है ठीक है आगे बढ़ते हैं ऊंचाई है, के साथ वायुमंडल की किस परत का ताप सबसे कम है तो ऊंचाई के साथ वायुमंडल की किस परत का ताप सबसे कम है तो वह कौन सा है ट्रुपोस्पियर मेसोस्फियर थर्मोस्फियर या फिर स्टेटोस्फियर तो यहां पर राइट right आंसर हमारा क्या रहने वाला है ऊंचाई के साथ वायुमंडल की किस परत का ताप सबसे कम है तो किसका हो जाएगा मेसोसपियर का हो जाएगा मतलब मध्यमंडल का ठीक है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है हमने देखा था ना बताया था आपके लिए कि क्वेश्चन यहां से बनते हैं तो वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी है होती है भाई नाइट्रोजन अठहत्तर परसेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो कितनी मतलब ऑक्सीजन की बात करते हैं कितनी होती है इक्कीस परसेंट होती है यही हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं में कितनी होती होती है है अगर मि मिट्टी में क्वेश्चन बन सकता है है अभी ना मृदा में मृदा में ठीक है मृदा लिख लो मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है तो वो होती है छियालीस पॉइंट साठ परसेंट क्वेश्चन यहां से ही बनेंगे बाकी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलने वाले ठीक है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है कितनी होती है भाई 21 परसेंट यह आपको दे सकता है बीस पॉइंट अठानवे परसेंट वैसे होती है बिल्कुल राइट वाली मगर इसे लिखते क्या इक्कीस परसेंट लिखते हैं ठीक है ठीके? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आगे बढ़ते हैं सभी मौसमी घटनाएं होती हैं सभी मौसमी घटनाएं जो होती है किसमें होती है मध्यमंडल समताप मंडल में ओयन मंडल में या फिर क्षोभ मंडल में तो मौसमी घटनाएं कहां देखने को मिलती है अपने भाई क्षोभ मंडल में देखने को मिलती हैं बादलों का गर्जना बिजली है ना बारिश कहाँ देखने को मिलेगी क्षोभ मंडल में आगे बढ़ते हैं जिसमें हम रहते हैं जैसे कहते हैं स्ट्रोस्पियर ठीक है स्ट्रोस्पियर बिल्कुल आगे बढ़ते हैं पर्यावरण में सम्मिलित है पर्यावरण में क्या सम्मिलित है आपको बताना है प्राकृतिक वस्तुएं मानवकृत वस्तुएं प्राकृतिक मानव वस्तुएं उपयुक्त में से कोई नहीं तो पर्यावरण में क्या सम्मिलित है भाई प्राकृतिक वस्तुएं अरे प्राकृतिक एवं हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सूर्य है सूर्य क्या है ध्रुव तारा तारा या फिर उपग्रह तो सूर्य क्या है सूर्य एक तारा है, है ना और ग्रह सारे के साथ देख लेते हैं ये हो जाएगा अपना सूर्य उसके बाद कौन सा आएगा उसके बाद आएगा अपना बुद्ध है ना उसके बाद कौन आएगा अपना बुद्ध के बाद शुक्र उसके बाद अपना आएगी पृथ्वी उसके बाद आएगा अपना मंगल है ना और उसके बाद आएगी बृहस्पति बृहस्पति है ना बृहस् बृहस्पति ठीक है बृहस्पति उसके बाद कौन आएगा बृहस्पति के बाद शनि आएगा शनि फिर अरुण फिर वरुण और फिर क्या आएगा यम ठीक है तो इस प्रकार से कितने ग्रह टोटल नौ ग्रह हो जाते हैं दसवें ग्रह की खोज अमेरिका ने कर दी है आगे बढ़ते हैं पायस्तिकी के संबंध में प्रथम स्पष्ट विचार किस विद्वान के थे मगर नौ ही ग्रहें ठीक है अभी सम्मिलित नहीं किया गया है ये ध्यान रखना पायस्तिक के संबंध में प्रथम स्पष्ट विचार किस विद्वान के थे किसके थे हैकेल ईपी ओडम पार्क या फिर डार्विन के तो पाइस्त्री के संबंध में स्पष्ट विचार किसके हो जाते हैं तो वह हो जाते हैं ओडम जी के ठीक है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एफ क्वेश्चन बात करते हैं यहां देखा है ऊंचाई के साथ वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे अधिक है तो सबसे अधिक किसका है यह आपको यहां पर बताना है तो पहला देखा है ट्रोपोस्पियर विसोस्फियर थर्मोस्फियर या फिर स्टेटोस्फियर तो देखो नाम में ही छुपा हुआ है तापमान सबसे अधिक तापमान मतलब सबसे अधिक तापमान किससे नापेंगे थर्मामीटर है ना थर्मामीटर तो होगा तापमान वाला बिल्कुल तापमापी कोई बात नहीं तो ताप नापने की बात हो रही है तो यहां पर थर्मो देखो देखने को मिलेगा थर्मोस्फीयर ठीक है कौन सा थर्मोस्फियर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तो यहां पर हम क्या करेंगे पार्ट वन में फिफ्टी देखेंगे ठीक है पार्ट वन में छोटे छोटे पार्ट देखेंगे जो कि आपको आराम से पढ़ भी सको आप और कंफ्यूज ना हो ठीक है तो यहां पर हमने 50 क्वेश्चन देख लिए पार्ट वन में और 50 क्वेश्चन मिलेंगे पार्ट टू में इसी प्रकार से हमारे पार्ट चलते रहेंगे ठीक है और जिस किसी को पीडीएफ चाहिए तो वो कहां से डाउनलोड करेंगे डब्ल्यू 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 पेपर हैका डॉट इन वहाँ पर जाइएगा आपको मिल जाएंगे ये सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं ठीक है लाइक करो शेयर करो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन को प्रेस कर दो क्योंकि तो नोटिफिकेशन आपके घर पहुंच जाए तो जय हिंद जय भारत